Hello friends, welcome to Gates Measure. So the next query is, write a query to display all the department names along with the number of employees working in that. मतलब इस टेबल में मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. मतलब हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट कॉलम की. एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट कॉलम में अगर आप ध्यान से देखो तो एचआर मार्केटिंग आईटी, अभी तो मैंने सिर्फ 5 रोज डाली. आप एज्यूम कर लो कि इसमें 40,000-50,000 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डेटा यहां पे पड़ा है. तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि देखो एचआर में इस टेबल के अकॉर्डिंग एचआर में दो लोग काम कर रहे हैं, राम एंड रवि. मार्केटिंग में भी दो लोग काम कर रहे हैं, अमृत एंड नितिन. आईटी में एक है वरुण. तो यानी मैंने यहां पे आउटपुट जो है, आउटपुट में डिस्प्ले ये होना चाहिए. मैंने आउटपुट भी यहां पे बना दी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में व्हाट वी वांट टू डिस्प्ले. एचआर 2 मार्केटिंग 2 आईटी 1 डिपार्टमेंट नेम एचआर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 2 डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 2 डिपार्टमेंट नेम इज आईटी, नंबर इज व्हाट 1. मतलब आप इस एक्चुअली सिनेरियो को कहां पे यूज कर सकते हो. इसका एक और एग्जांपल भी हो सकता है, अगर मैं स्टूडेंट टेबल की बात करूं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, अगर मैं बात करूं बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएससी, आईटी. अगर मैं एक सिंपल सी क्वेरी पूछूं कि ब्रांच वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने हैं, हर ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं, सीएससी में कितने, मैकेनिकल में कितने, आईटी में कितने, इलेक्ट्रिकल में कितने, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने, वही सेम सिनेरियो हमें फाइंड आउट करना है. लेकिन अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका लॉजिक क्या है. पहला तो अगर आपके माइंड में आए कि वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं, वेयर क्लॉज यहां पे यूज नहीं होगा बिकॉज यहां पे मल्टीपल कंडीशनें चल रही हैं. डिपार्टमेंट की वैल्यू एक नहीं है. हमें सिर्फ ये नहीं फाइंड आउट करना कि एचआर में क्या करना है या आईटी में क्या, हमें डिपार्टमेंट वाइज, हमें पता ही नहीं कि डिपार्टमेंट में क्या क्या वैल्यूज है. यहां पे तो सिर्फ 3 दिख रही हैं, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं. हो सकता है एक डिपार्टमेंट, एक कंपनी के अंदर 50 डिपार्टमेंट हो, तो आप वेयर क्लॉज को 50 बार नहीं लिख सकते. और वैसे भी वहां पे वेयर लगाने के बाद भी मुझे काउंट करना है कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं. तो यहां पे एक स्पेशल फंक्शन है सीक्वल का, या हम उसको क्लॉज भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप बाय. यहां पे यूज होगा ग्रुप बाय. ग्रुप बाय नेम से ही पता लग रहा है कि ग्रुप मींस आई हैव टू सॉल्व बाय द ग्रुप्स. ग्रुप बना देते हैं, मतलब अगर हम डिपार्टमेंट के ग्रुप बना दें, जैसे एचआर का एक ग्रुप बन जाए, मार्केटिंग का एक बन जाए, आईटी का एक बन जाए. ऐसे ही अगर मैं वही एग्जांपल की बात करूं तो सीएससी का एक टेबल बन जाए, एक ग्रुप बन जाए, मैकेनिकल का एक ग्रुप बन जाए. तो हमें यहां पे ग्रुप बनाने हैं ताकि मेरे को ग्रुप बनाने के बाद मैं उसमें काउंट कर सकूं कि हर एक ग्रुप में कितने लोग हैं. अगर मैंने एचआर का ग्रुप, मार्केटिंग का ग्रुप, आईटी का ग्रुप बना दिया, जैसे ही ग्रुप बन गए, मतलब आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, एचआर वाले एक तरफ हो गए, मार्केटिंग वाले एक तरफ हो गए, आईटी वाले एक तरफ हो गए. तो अब इस ग्रुप में से फाइंड आउट कर लेते हैं, ये 2 है, ये भी 2 है और ये 1 है. तो ये चीज मेरे को फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए मेरे को ग्रुप बाय क्लॉज का हेल्प लेना पड़ेगा. तो ग्रुप बाय क्लॉज हम कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट हम बाद में देखते हैं कि सेलेक्ट क्या करना है. सेलेक्ट फ्रॉम कहां से करना है, एम्प्लॉय टेबल से. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. जब भी SQL क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, सबसे पहले फ्रॉम, हमें सबसे पहले फ्रॉम से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है, बिकॉज सबसे पहले टेबल. फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. मेरे को किस कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाने हैं, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट भी फाउंड आउट करना है ना कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं. अगर मैं स्टूडेंट टेबल वाले अगर एग्जांपल की बात करूं तो ग्रुप बाय ब्रांच या ग्रुप बाय ट्रेड कर सकते हो. सो ग्रुप बाय सेलेक्ट क्या करना है वो भी हम बाद में देखते हैं. फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, सिंपल. तो इसने करना क्या है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ने जो मैंने अभी बनाया था, इसने ग्रुप बना देने हैं अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट. तो एचआर का अपना ग्रुप, एचआर इकट्ठे आ जाएंगे, मार्केटिंग इकट्ठे आ जाएंगे, आईटी वाले इकट्ठे, इस तरीके से ये ग्रुप बनाता जाएगा. अब उस ग्रुप में से मेरे को कुछ फाइंड आउट करना है. लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट है कि सेलेक्ट के साथ हम क्या लिख सकते हैं,
क्या सेलेक्ट के साथ में ईआईडी, एम्प्लॉई नेम, सैलरी या डिपार्टमेंट क्या लिख सकता हूं? तो ये कंडीशन है ग्रुप बाय की। ग्रुप बाय की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो एट्रीब्यूट का नाम, ये एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट कॉलम, जो एट्रीब्यूट का नाम आप ग्रुप बाय के साथ यूज कर रहे हो, सिर्फ वही एट्रीब्यूट आप सेलेक्ट के साथ लिख सकते हो। एक तो कंडीशन ही है, अभी एक और भी कंडीशन है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या है, यू कैन राइट ओनली द डिपार्टमेंट। आप इंप्लॉई आईडी नहीं यहां पे लिख सकते, ना आप इंप्लॉई का नेम यहां पे लिख सकते, ना आप यहां पे सैलरी लिख सकते। हाँ, किसी और तरीके से मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर ग्रुप बाय के साथ आपने डिपार्टमेंट लगाया है तो आप सिर्फ डिपार्टमेंट ही यहां पे लिख सकते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मुझे डिपार्टमेंट के अलावा, अदर देन द ग्रुप बाय, ये वाली वैल्यू के अलावा अगर मुझे कोई और एट्रीब्यूट को यूज करना है, देन आई हैव टू यूज द एग्रीगेट फंक्शन। मुझे एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा। तो एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है वीडियो में, मैक्स मिनिमम सम एवरेज काउंट, ये पांच एग्रीगेट फंक्शन है। हाँ, आप उन एग्रीगेट फंक्शंस के साथ कोई ना कोई एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट सिर्फ वही एट्रीब्यूट होगा जो यहां लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, अगर मैं सिर्फ इसकी आउटपुट चेक करूं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, क्या बनाया, सिंपल, इसको डिपार्टमेंट को एचआर एक तरफ, मार्केटिंग एक तरफ इकट्ठा कर दिया, आईटी वाला इकट्ठा कर दिया। लेकिन अगर आप इसको ओरेकल में एग्जीक्यूट करो या सीक्वल सर्वर में, हो सकता है मार्केटिंग ऊपर दिख रहा हो, एचआर नीचे दिखे, आईटी ऊपर दिखे। हमने ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, हम तो सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, हम बात करें एचआर इकट्ठा, मार्केटिंग सब एक तरफ, सिर्फ इतना आउटपुट आ गया। तो मेरा ये काम तो हो गया, एचआर मार्केटिंग आईटी तो हो गया, लेकिन हर डिपार्टमेंट में कितने इंप्लॉई हैं, उसके लिए बस मुझे क्या लगाना है यहां पे, काउंट फंक्शन। क्या लगाना है यहां पे, कॉमा डाल के काउंट फंक्शन, कैसे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार सेलेक्ट डिपार्टमेंट तो ऑब्वियसली बिकॉज डिपार्टमेंट यहां है तो मैं डिपार्टमेंट ही यूज कर सकता हूं। उसके अलावा आई कैन यूज ओनली द एग्रीगेट फंक्शन, सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार भी यूज कर सकते हो यहां पे। स्टार मतलब हरेक के अंदर, हरेक इस वैल्यू के अंदर कितने एचआर हैं, कितने मार्केटिंग है, कितने आईटी, या आप सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट डिपार्टमेंट, यहां पे आप डिपार्टमेंट भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो डिपार्टमेंट, पहला डिपार्टमेंट कौन सा है, लेट से एचआर, काउंट डिपार्टमेंट, काउंट उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने काउंट है, कितना काउंट है, 2। नेक्स्ट डिपार्टमेंट मार्केटिंग, ऑर्डर पे मत जाना कि ऑर्डर पहले मार्केटिंग आएगा एचआर, वो डिपेंड करता है कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, बट द मेन पॉइंट इज आउटपुट यही आएगी, मार्केटिंग काउंट स्टार या काउंट डिपार्टमेंट, कितना काउंट है, 2। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज आईटी, काउंट स्टार या काउंट डिपार्टमेंट, कितना काउंट है, 1। सो दिस इज द आउटपुट, और यही आउटपुट मेरे को चाहिए। तो दिस आउटपुट विल बी प्रिंटेड व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कमांड। तो ये बहुत ही बेसिक कमांड की है हमने ग्रुप बाय को यूज करके, ग्रुप बाय को यूज करके। लेकिन अब हम फर्दर इसको ग्रुप बाय को भी इंटरनली सब क्वेरीज में यूज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप बाय फंक्शन। थैंक यू।